नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीडी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम साइंस की सीरीज शुरू कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट होगी रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए, एसएससी के एग्जाम के लिए और एचएसएससी के एग्जाम के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, साइंस के तीन अलग अलग पार्ट डिस्कस करते हैं, एक बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सबसे पहले बायोलॉजी सीरीज, उसके बाद फिजिक्स सीरीज और फिर डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री सीरीज को। तो हमारे पास बायोलॉजी सीरीज का पहला चैप्टर है उत्सर्जन तंत्र, जिसको बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो देखिए, हमारा शरीर जो है उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, मतलब पाचन श्वसन है। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है उसका एक पार्ट है कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस, ये उत्सर्जन जो है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस के अंतर्गत आता है। कैटाबॉलिक प्रोसेस जो है इसका मतलब है जी अपचयी प्रक्रिया, मतलब हमारा शरीर जो है उसमें फूड जो है उसका ब्रेकडाउन होता है, और जब फूड का ब्रेकडाउन होता है, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, तो उस टाइम पे हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल बनते हैं, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ मतलब जिसका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है, अनवांटेड मटेरियल है। अपशिष्ट पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को शरीर के अंदर नहीं रखा जा सकता, उनको शरीर से बाहर निकालना होगा। और जिस प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं उत्सर्जन, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसे बोलते हैं उत्सर्जन। अब जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं। शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। एक जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बोलते हैं कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ। कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वो अपशिष्ट पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट पदार्थ है जिसका निर्माण श्वसन तंत्र में होता है। ये कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों का वर्णन हम श्वसन तंत्र में ही करेंगे। श्वसन तंत्र अलग से डिटेल से पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में। अब आवश्यक है एक दूसरा अपशिष्ट पदार्थ, उस अपशिष्ट पदार्थ को बोलते हैं जी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। बोलो क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, जिनमें से तीन प्रमुख हैं, वो डिस्कस करेंगे। देखो, उत्सर्जन जो है वो एक अपचयी प्रक्रिया है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको उत्सर्जन बोला जाता है। फिर हमने डिस्कस किया कि शरीर में बनने वाले अपशिष्ट दो प्रकार के हैं, एक तो कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ। कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ का मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद हमने डिस्कस किया नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का मतलब नाइट्रोजन से बने हैं। अब नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ तीन प्रकार के हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले प्रकार का जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है जी, वो है यूरिया। अलग अलग जीव जो हैं, उनमें अलग अलग अपशिष्ट पदार्थ है। अब जैसे स्तनपाई है, मतलब मैमल्स है, उनका अपशिष्ट पदार्थ यूरिया है। एक एम्फीबियंस जो है, यानी कि उभयचर जो है, उभयचर मतलब जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, उनको बोलते हैं उभयचर, यानी कि एम्फीबियंस। एक जो होते हैं वो होते हैं सबमरीन ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ समुद्री जीव।
ये उभयचर जो होते हैं, प्रमुख जो उभयचर है वो है मेंढक, फ्रॉग। मेंढक जो है, मान लो इसने पहले दे दिया अंडा, आप जानते हैं कि अंडे के बाद का जो प्रोसेस है, अंडे के बाद की जो स्टेज है उसको बोलते हैं लार्वा स्टेज। मेंढक की जो लार्वा स्टेज है उसको टेडपोल कहा जाता है। अब लार्वा स्टेज के बाद मेंढक बनेगा वयस्क मेंढक, मतलब एडल्ट फ्रॉग। क्या बोलेंगे? एडल्ट फ्रॉग बोलेंगे। देखिए, प्रमुख उभयचर मैंने लिखा मेंढक, फिर पहले इसने दिया अंडा, अंडे के बाद बना लार्वा, और मेंढक के लार्वा का नाम बता दिया टेडपोल। मेंढक के लार्वा का नाम क्या बता दिया? टेडपोल बता दिया। अब लार्वा के बाद की जो स्टेज है वो है वयस्क मेंढक, यानी कि एडल्ट फ्रॉग। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना, अंडा है, अंडे से लार्वा बना, लार्वा से वयस्क मेंढक बना, इसको बोला जाता है कायांतरण। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है इसका नाम है कायांतरण, यानी कि मेटामोर्फिक प्रोसेस। क्या समझ आया? कि मेंढक जो है उसमें कायांतरण प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? कायांतरण प्रक्रिया है। देखो, सबसे पहला अपशिष्ट पदार्थ हमने पढ़ा, अपशिष्ट पदार्थ है यूरिया। सतनपाई जो है, मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनका अपशिष्ट पदार्थ यूरिया है। एक उभयचर जो है उनका अपशिष्ट पदार्थ यूरिया है, और एक समुद्री जीव, कुछ समुद्री जीव हैं जिनका अपशिष्ट पदार्थ भी क्या है? यूरिया है। और जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया को निकालते हैं, उनमें जो उत्सर्जन का प्रकार है उसको बोला जाता है यूरियोटेलिक उत्सर्जन। जिनमें मुख्य अपशिष्ट पदार्थ यूरिया है उस उत्सर्जन को बोला जाता है यूरियोटेलिक उत्सर्जन। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि सतनपाई उभयचर और समुद्री जीव में कौन से प्रकार का उत्सर्जन है, तो कौन से प्रकार का उत्सर्जन है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन है दोस्तों। अब अगला जो अपशिष्ट पदार्थ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगला जो अपशिष्ट पदार्थ है वो है यूरिक एसिड, यानी कि यूरिक अम्ल। किन किन जीवों में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। तो एक तो अपने पास पक्षी है, बर्ड्स, एक अपने पास लैंड स्नेल्स यानी कि घोंगा, एक अपने पास सरीसर्प है, सरीसर्प बोले तो रेप्टाइल्स, और एक अपने पास होते हैं इंसेक्ट्स यानी कि कीट पतंग। हमारे पास पक्षी है, घोंगा है, सरीसर्प है और कीट है। इनका जो मुख्य अपशिष्ट है वो है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। तो इनमें मुख्य अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है, तो हम बोलेंगे कि इनमें उत्सर्जन का जो प्रकार है वो है दोस्तों यूरिकोटेलिक उत्सर्जन। बताइए कौन सा उत्सर्जन? यूरिकोटेलिक उत्सर्जन। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। दो अपशिष्ट पदार्थ हम पढ़ चुके हैं, एक यूरिया है, एक यूरिक अम्ल है। यूरिया में हमने डिस्कस किया एक तो सतनपाई, एक उभयचर और समुद्री जीव। दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल में हमने डिस्कस किया पक्षी है, घोंगा है, सरीसर्प है और कीट है। हाँ, तो दोस्तों हम तीसरे प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ पढ़ रहे थे। तीसरे नंबर का अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे पास है वो है अमोनिया। अब जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में
अमोनिया अपशिष्ट पदार्थ है। मुख्य रूप से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मछली से संबंधित पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है कि मछली का अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है, तो क्या बताएंगे, अमोनिया बताएंगे। अब जिन जिन जीवों का अपशिष्ट पदार्थ, जिन जिन का उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है, हम बोलते हैं कि उनमें अमोनोटेलिक उत्सर्जन है। बोलो क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक उत्सर्जन है। दोस्तों हमने तीन प्रकार के उत्सर्जन पढ़े। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने यूयोटेलिक उत्सर्जन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा यूरिकोटेलिक उत्सर्जन, और तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा अमोनोटेलिक उत्सर्जन। उत्सर्जन के तीन प्रकार जो है वो हम पढ़ चुके हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो उत्सर्जी अंग से बनता है। पेपर में अलग अलग जीवों के उत्सर्जी अंग पूछे जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि प्लेटी हेलमंथीज संघ के जो जीव हैं उनका उत्सर्जी अंग कौन सा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशी के जीव जो हैं उनका उत्सर्जी पदार्थ और उनका उत्सर्जी अंग कौन सा है, इसी के साथ मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन सा है, एनिलिडा का उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो हम जितने भी इंपॉर्टेंट हैं दो चार उत्सर्जी अंग वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उत्सर्जी अंग, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कोशिकीय जीवों का उत्सर्जी अंग कौन सा है या फिर उनमें उत्सर्जन कैसे होता है, तो उनमें उत्सर्जन होता है विसरण द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जन होता है विसरण के द्वारा। उसी तरह से मनुष्य में पूछा जाए यानी कि ह्यूमन बींग्स में पूछा जाए तो मनुष्य जो है उसका प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है वो है गुर्दे, या फिर इसको आप बोल सकते हैं वृक्क, या फिर बोल सकते हैं इंग्लिश में अगर बोले इसको तो बोलते हैं जी किडनीज। मनुष्य के शरीर में एक जोड़ा वृक्क होता है, मतलब कि टोटल दो गुर्दे होते हैं। उसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एनिलिडा जो है, एनिलिडा एक संघ है दोस्तों, ये अलग अलग जो संघ है, एनिलिडा संघ है, प्लेटी हेलमंथीज है, एस्कल्मंथीज है, ये अलग से हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जंतु जगत, उसमें पढ़ेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि एनिलिडा संघ के जंतु जो हैं उनका उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो उनका उत्सर्जी अंग है जी नेफ्रिडिया। बोलो क्या है, नेफ्रिडिया है। उसी तरह से प्लेटी हेलमंथीज संघ बहुत बार पेपर में आता है, प्लेटी हेलमंथीज संघ, प्लेटी हेलमंथीज जो जीव हैं उनका उत्सर्जी अंग कौन सा है, फ्लेम सेल यानी कि ज्वाला कोशिकाएं, ज्वाला कोशिकाएं। क्या क्या है देखो, एक कोशिकीय जीव विसरण के द्वारा उत्सर्जन करते हैं, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है गुर्दे, वृक्क बोलो या फिर इंग्लिश में बोले तो किडनी, एक जोड़ा वृक्क है मनुष्य के शरीर में। एनिलिडा जो है उसका प्रमुख उत्सर्जी अंग है जी नेफ्रिडिया, और प्लेटी हेलमंथीज का अगर देखें तो ज्वाला कोशिका। दोस्तों उत्सर्जन के प्रकारों के बाद अब हमारा महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है वो है मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं वृक्क, या फिर आप इसको बोल सकते हैं गुर्दे, अगर इसको इंग्लिश में बोले तो किडनी। उत्सर्जन तंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है त्वचा यानी कि स्किन, उसके बाद यकृत है मतलब लीवर, और चौथे नंबर पे जो है हमारे पास वो है दोस्तों फेफड़े, इंग्लिश में बोला जाता है लंग्स।
मानव उत्सर्जन तंत्र का सबसे प्रमुख जो भाग है वो वृक्क है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वृक्क के बारे में, गुर्दे के बारे में, यानी कि किडनीज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य के शरीर में एक जोड़ा वृक्क होता है। एक जोड़ा वृक्क बोले तो दो गुर्दे। वृक्क का मुख्य कार्य रक्त का शुद्धिकरण करना है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का शुद्धिकरण करना, यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। एक दिन में 180 लीटर रक्त को फिल्टर कर सकते हैं। गुर्दे की कैपेसिटी है कि प्रतिदिन 180 लीटर रक्त को क्या कर सकते हैं? फिल्टर कर सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि गुर्दे का मुख्य कार्य रक्त और यूरिया को अलग करना है। अगर बात करें प्रतिदिन मनुष्य कितना मूत्र बनाता है, तो हमारे शरीर में लगभग 4.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है प्रतिदिन। मूत्र से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मूत्र का पीएच मान कितना है। अगर मूत्र के पीएच मान की बात करें तो मूत्र का पीएच मान है 6। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि गुर्दे जो है एक जोड़ा वृक्क है, मतलब दो गुर्दे पाए जाते हैं। अगर बात करें गुर्दे के भार की, गुर्दे की लंबाई की और गुर्दे की चौड़ाई की, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। गुर्दे की लंबाई जो है, गुर्दे की लंबाई लगभग 4 से 5 इंच होती है। गुर्दे की चौड़ाई जो है वो होती है लगभग 2 इंच। कितनी होती है बोलो? 2 इंच होती है। अगर औसत भार की बात करें तो एक गुर्दे का भार लगभग 140 ग्राम होता है। कितना होता है? 140 ग्राम होता है। सबसे पहले गुर्दे का काम है रक्त का शुद्धिकरण करना। 180 लीटर रक्त को फिल्टर कर सकते हैं एक दिन में। अगर बात करें कि कितना मूत्र बनता है एक दिन में, तो 4.5 लीटर मूत्र का निर्माण करते हैं प्रतिदिन। पीएच मान बता दिया 6। गुर्दे की लंबाई की बात करें तो 4 से 5 इंच, चौड़ाई की बात करें तो 2 इंच, और गुर्दे की भार की बात करें तो कितना है? 140 ग्राम। अलग अलग से इसके भाग देखें, ये वृक्क है, इसको बोलते हैं दोस्तों मूत्रवाहिनी। ये मूत्रवाहिनी है, ये पूरा का पूरा जो है वो मूत्राशय है, और नीचे जो है मूत्र मार्ग है जिसके द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पेपर में मूत्र का असामान्य घटक पूछा जाता है, तो असामान्य घटक पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको यह पता हो कि मूत्र के सामान्य घटक कौन से हैं। मूत्र के सामान्य घटक कौन कौन से हैं? मूत्र के सामान्य घटक, मूत्र में सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो जल की है, लगभग 95% जो है वो क्या है? जल है। अगर बात करें यूरिया की, लगभग 2.7% जो मात्रा है वो किसकी है? यूरिया की है। लवणों की बात करें तो लगभग 2% मात्रा। यूरिक अम्ल की बात करें, यूरिक अम्ल होता है दोस्तों 0.3%। ये मूत्र के सामान्य घटक हैं। सामान्य घटकों में सबसे ज्यादा मात्रा जल की है 95%, यूरिया की मात्रा है 2.7%, लवण की मात्रा है 2%, और यूरिक अम्ल की मात्रा क्या है? 0.3% है। असामान्य घटक अगर पेपर में पूछा जाए तो 99% चांसेस है आपको ऑप्शन में एल्ब्यूमिन मिलेगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है, यही मिलता है बार बार। तो मूत्र का असामान्य घटक जो है वो क्या है? एल्ब्यूमिन है।
एक गुर्दे जो है उसकी संरचना से एक क्वेश्चन आता है कि गुर्दे के अंदर एक प्याले जैसी संरचना होती है, प्याले नुमा संरचना होती है, गुर्दे में पाई जाने वाली प्याले नुमा संरचना को क्या कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि प्याले नुमा संरचना को क्या कहा जाता है तो आपका आंसर होगा बोमन संपुट। इंग्लिश में इसको बोला जाता है बाउमेन्स कैप्सूल, बाउमेन्स कैप्सूल। ये है गुर्दे में पाई जाने वाली प्याले नुमा संरचना, गुर्दे में पाई जाने वाली प्याले नुमा संरचना, गुर्दे में पाई जाने वाली प्याले नुमा संरचना कौन सी है? बोमन संपुट। गुर्दे में एक यू के यू जैसी आकृति है, गुर्दे में यू जैसी आकृति जो है उसको बोला जाता है हेनले का लूप, लूप ऑफ हेनले। अगर क्वेश्चन है कि गुर्दे में पाई जाने वाली यू जैसी आकृति को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं? हेनले का लूप कहते हैं। यह है यू जैसी आकृति। गुर्दे में हर एक टोटल दो गुर्दे हैं, एक गुर्दे में लगभग 1,30,00,000 कुंडलित संरचना है, नली जैसी संरचना है। उन नलियों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? नेफ्रोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? नेफ्रोन कहा जाता है। इस नेफ्रोन को हिंदी में अगर बात करें तो नेफ्रोन को बोलते हैं वृक्काणु। इस नेफ्रोन से ही बना दिया नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वरिक का अध्ययन किया जाता है, मतलब स्टडी ऑफ किडनी जो है उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें वरिक का अध्ययन किया जाता है, गुर्दे का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। गुर्दे से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है कि गुर्दे की पथरी किससे बनती है। गुर्दे की पथरी का निर्माण होता है कैल्शियम ऑक्सलेट से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुर्दे की पथरी किससे बनती है तो आपका आंसर क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सलेट। गुर्दे की पथरी बनती है कैल्शियम ऑक्सलेट से। ये थी गुर्दे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब मानव उत्सर्जन तंत्र जो है उसका महत्वपूर्ण एक भाग और हमने डिस्कस किया था, वो था त्वचा। त्वचा के बारे में पढ़ते हैं। त्वचा इंग्लिश में बोले तो स्किन। त्वचा के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा अंग है शरीर का। सबसे बड़ा बाहरी अंग अगर बात करें तो त्वचा है। त्वचा जो है उसमें तेलीय ग्रंथि पाई जाती है। तेलीय ग्रंथि, सवेद ग्रंथि, ग्रंथि चाहे कोई भी हो, ग्रंथियों से हमेशा रस निकलते हैं। तो ये तेलीय ग्रंथि या सवेद ग्रंथि जो है इससे भी रस निकलता है, और इससे जो रस निकलता है उसको सामान्यतः पसीना कहा जाता है। ये पसीना त्वचा का एक अपशिष्ट पदार्थ है, एक वर्ज्य पदार्थ है, एक उत्सर्जी पदार्थ है। पसीना जो है उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण, यानी कि NaCl। ये था मानव उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग त्वचा। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है यकृत। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। वरिक का काम तो है रक्त का शुद्धिकरण करना, यानी कि रक्त और यूरिया को अलग करना,
और यकृत का काम है रुधिर में जो भी अमोनिया है, रुधिर में क्या है, अमोनिया है, रुधिर में जो भी अमोनिया होगा उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम कौन करेंगे, यकृत करेगा। मेरा मतलब यकृत का काम है यूरिया का संश्लेषण करना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर का वह कौन सा भाग है जिसमें यूरिया का संश्लेषण होता है, तो आपका आंसर होगा यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, यकृत में होता है। एग्जामिनर एक क्वेश्चन और डालता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो भी आपका आंसर क्या होता है, यकृत होता है, मतलब लिवर होता है। उसके बाद हमारे पास उत्सर्जन तंत्र का एक और भाग है फेफड़े, इंग्लिश में बोले तो लंग्स। लंग्स के दो अलग अलग अपशिष्ट पदार्थ हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक है जलवाष्प। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप जानते हैं, फेफड़ों का एक अपशिष्ट पदार्थ है, उसके साथ है जलवाष्प। जैसे हम कुछ चीजें खाते हैं, लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं और मसाले जो हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिनके अपशिष्ट जलवाष्प के रूप में फेफड़े बाहर निकालते हैं। इसी के साथ उत्सर्जन तंत्र के जितने भी महत्वपूर्ण भाग थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी अगला टॉपिक जो है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।